अनफॉर्चुनेटली जिसमें शाहीन इंजर्ड हुआ, और उसमें थोड़ा बहुत शुरू में था कि यार नया बॉल कौन करेगा, जारी बात है जिस तरह शाहीन खेलता था उसके साथ कॉन्फिडेंस था कि वो अर्ली ऑन विकेट आपको लेके जाता था, तो उससे काफ़ी जब मैं बॉलिंग किया था तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। और नो डाउट जिस तरह अभिषेक नसीम ने बॉलिंग की, जिस तरह उसने इंडिया खिलाफ बॉलिंग की हॉन्ग के खिलाफ, तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और रिलैक्स होता हूँ जब बॉलिंग के लिए आता हूँ यार ठीक है वो अर्ली ऑन आपको अच्छा बॉल बॉलर से बॉल करके दे रहे हैं। तो एज अब जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है सर, जिस तरह बॉलिंग की पार्टनरशिप होती है, तो जिस तरह शाहीन मैं सब खेलता रहा और काफ़ी टाइम से मैं शाहीन के साथ ही खेल रहा हूँ, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता हूँ। बट अभी जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा है और उससे काफ़ी खुद अभी काफ़ी रिलैक्स हो रहा हूँ कि यार जो आप जिस तरह आप चाहते हो, जो आप कंडीशन चाहते हो, जो जो सिचुएशन चाहते हो आपको मिल रही है। हारिस, आप पिछली बार इंडिया से जरूर हारे लेकिन हांगकांग को बड़ा जबरदस्त तरीके से हराया, इंडिया के पास जडेजा नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है कौन फेवरेट्स है, आप अपने आप को मानते हैं फेवरेट्स? देखिए दोनों टीमें जिस तरह हैं और हाई प्रेशर गेम होता है, इसमें आप कभी भी कोई भी इंटरनेशनल गेम खेल लो, चाहे वो आप हांगकांग के खिलाफ खेलो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ खेलो, तो इंटरनेशनल गेम आपको पता है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होता है, तो आप हमेशा आप अपने बेस्ट से जाते हो, कोशिश करते हो अपने बेस्ट दें। जैसा भी जडेजा हुआ उसके रिप्लेस आई हुए अर्षद पटेल, तो मेरे ख्याल से उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आया, तो मेरे नहीं ख्याल कि उनकी टीम में कोई इतनी कोई चेंजिंग है या कुछ होगा। बाकी हम अपना बेस्ट देंगे, जिस तरह लास्ट मैच हमने खेला इंडिया के खिलाफ हम काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे और जिस तरह हमने लॉ स्कोरिंग में भी अपने अपना बेस्ट दिया, जिस टीम ने एफर्ट की और उसी मंडे को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट मैचेस के लिए। हारिस भाई, अगर बाबर आजम के फॉर्म के बारे में बात करें, जो पहले दो T20 रहे और उससे पहले भी जो उनके T20 रहे हैं, पिछले 10 T20 में बहुत ज़्यादा रन नहीं आया, तो क्या कभी कैप्टन की फॉर्म को लेकर बात होती है या कभी कोई ऐसी बात होती है कि शायद ओपनिंग में ही कुछ चेंज कर दिया जाए, क्योंकि रन नहीं आया पिछले कल हांगकांग के मैच में भी ज़्यादा रन नहीं है, तो क्या कुछ कभी ऐसी बात होती है इस चीज़ को लेकर? देखिए ये एक टीम गेम है, एक सिर्फ एक प्लेयर पर नहीं आप वो कर सकते कि यार वो रन करेगा तो टीम जीतेगी, और जिस तरह आप सबको पता है बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनको पता है कि यार मैंने अपने टीम के लिए कितना बेस्ट करना है, वो सिर्फ बैटिंग में नहीं है, वो आपको एज अ प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और एज जितने आपके आप बस प्लेयर होते हैं आप सबको करना पड़ता है, और रोटर उनकी जैसा उस तरह रन नहीं तो उनको बचत तक कैसे पता कि उन रन कैसे करने हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में उनको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है अपनी टीम के लिए जो बेस्ट करना है वो दे रहे हैं। चल लास्ट में वर्ल्ड कप में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली थी हार्दिक पांड्या की, तो इस पर क्या प्लान है अगेंस्ट हार्दिक सूर्य और बाकी आपके टारगेट पे कौन कौन से प्लेयर रहेंगे? देखिए जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैच खेल रहा होता हूँ तो मेरी मोस्ट प्रोबेबली माइंड में नहीं होता कि यार विकेट लेनी है, कोशिश ये होती है ग्राउंड बॉल किए जाए, आप जब भी ग्राउंड बॉल करते हो T20 गेम है आप अपने आप बॉल जितने आप सेव कर सको उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जितने आप बॉल सेव करोगे विकेट आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। सडन प्लान आपके हार्ड प्लान होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के खिलाफ, डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, और थोड़ा जिस प्लेयर्स हैं अपने कोशिश करते हो अपनी स्ट्रेंथ पे हो बेसिकली, क्योंकि डेथ बॉलिंग होती है आपको एक टारगेट बॉलिंग जिस तरह आप करते हो जो आपको एक माइंड में होता है कि यार जो आपकी जिस तरह यॉर्कर्स हैं स्लो बॉलर हैं वो आप उस पर ऑब्वियसली जाते ही जाते हो, एट दी एंड जब आपकी विकेट जिस तरह बिहेव करती है बहुत जरूरी चांस आपको उस पर भी जाना पड़ता है आपको सम टाइम।